चंपारण की पहचान डी आनंद साहब हमारे बीच मौजूद हैं और हम तमाम भाइयों के आग्रह पर इन्होंने अपना भरपूर समय और सहयोग हम लोगों को दिया। मैं तहे दिल से डी आनंद साहब, प्रशासनिक व्यवस्था में जुड़े हुए लोग, पुलिस महकमे के जो सुरक्षा बल के रूप में जवान यहाँ तैनात हैं और उनके जो कमांडेंट हैं और इस गांव के तमाम कमेटी के लोग जिन्होंने मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, उन सभी के प्रति मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और साथ ही पूरी रात स्वर लहरियों में इस गांव के नौजवानों को भक्ति भाव में डुबाए रखने के लिए तमाम साजबाज के साथ जो टीम यहां मौजूद है, जो कलाकार यहां मौजूद हैं, जो पूरी रात अथक प्रयास करके हम लोगों का मनोरंजन करते रहे और भक्ति भाव की गंगा में डुबकी लगाते रहे, उन सबों को भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी पुअर हाउस गांव में आप लोग हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर आते रहेंगे। एक बात बड़े फख्र के साथ मैं कहना चाहता हूं कि ये वो धरती है जहां से गुरु गोविंद सिंह ने आगाज किया था और कहा था कि गौरैया ते बाज लड़ावा तब नाम गुरु गोविंद सिंह कहलावा। ये बिहार की धरती है और उसमें भी ये चंपारण की धरती है जहां से हम लोग गौरैया को भी वो ताकत देते हैं जो बाज की शक्ति लेकर के और बड़े बड़ों को झपाटा मार देती है और अपने मकसद में और अपने उद्देश्य में कामयाब होती है। तो इस गुरु गोविंद सिंह की धरती पर, चंपारण की धरती पर, जहां स्वयं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी आए थे और उन्हें भी लगा था कि इस हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी जगह है तो वो चंपारण है, और चंपारण की धरती से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का आगाज किया और उस आगाज का यह परिणाम रहा कि चंपारण की धरती से निकलने वाली खुशबू इस कदर पूरे देश में बिखरी कि ये पूरा देश आजाद हुआ और आज हम लोग आजाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। आज हम लोग आजाद भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी मिलकर सभी पर्वों को एक साथ मनाते हैं। हमारा कोई भी पर्व किसी मजहब का मोहताज नहीं है, कोई भी पर्व किसी मजहब का मोहताज नहीं है, चाहे वो ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे छठ हो, चाहे बकरीद हो या क्रिसमस का त्योहार हो। हमने देखा है कि हमारे सभी साथी धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ करके, भेदभाव की भावनाओं से ऊपर उठ करके, एक होकर के एक हिंदुस्तान बनाने के लिए पर्व को इस कदर मनाते हैं, जहां लगता है कि अलग अलग रंगों में हम जरूर हैं, लेकिन इस अलग अलग रंगों की खूबसूरती को एक में जब मिला दिया जाता है तो एक ऐसा सुंदर माला बन जाता है जो गले में पड़ते ही जैसे लगता है कि स्वयं महादेव प्रकट हो गए हों। और आज इस नारायणी की के तट पर मैं इस पर को साक्षी मानकर और वो इस पर जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है और सर्वस्व है और जो सबको जीवन शक्ति प्रदान करता है, उस ईश्वर से निवेदन करता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के सभी भाइयों को वो शक्ति प्रदान करें कि वो संविधान की रक्षा के लिए और इस देश को महफूज रखने के लिए और धार्मिक भावना को कायम रखते हुए हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कायम रखें। और एक बार पुनः यहाँ के छठ मैया कमेटी के तमाम सदस्यों को, हृदेश यादव को, रंजीत साहनी जी को और उदय यादव को, राकेश यादव जी को और तमाम जो साथी हैं जिन्होंने मिलकर इस कार्यक्रम को एक नया रूप और रंग देने का काम किया है, उन सभी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और अब वक्त आ गया है कि अब निगाहें मेरी तरफ नहीं, अब निगाहें पूरब की तरफ लोगों की जा रही है कि कब भगवान भास्कर अपने दर्शन दें। इसलिए हम चाहेंगे कि नजरें पश्चिम से अब हटे, नजरें पूरब की ओर बढ़ें और भगवान भुवन का हम सभी दर्शन करें और दर्शन करके स्वयं को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने गांव के सभी लोगों का और बाहर से आए हुए तमाम कलाकारों का, डी आनंद भैया का
और सुरक्षा बल से जुड़े तमाम साथियों का और जो हमारे पुष्कर जी यहाँ मौजूद हैं उनका और अपनी टीम के साथ मौजूद हैं उनकी टीम में जो भी लोग मौजूद हैं आप सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना अहम योगदान दिया। एक बार बोलिए छठी मैया की जय।